क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड तो सबसे पहले हम लोग जान रहे कि लिविंग क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज लिविंग तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहते हैं तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए या इसको उसका कुछ कैरेक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है क्या हो सकता है उस प्रॉपर्टी में या फिर उस कैरेक्टर्स में सबसे पहले ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ग्रो करते हैं इंक्रीज इन मास उसका मास में इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज इन नंबर या उसके नंबर में इंक्रीज होगा ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका अगर ग्रोथ डेवलपमेंट होगा या फिर उसका मास में वॉल्यूम में चेंज होगा या फिर उसका नंबर में इंक्रीज होगा ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाई सेल डिविजन तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे सेल डिविजन के थ्रू जैसे माइटोसिस म्योटिक सेल डिवीजन के थ्रू अपना नंबर में इंक्रीज करता है और सेल बॉडी सेल जो सोमेटिक सेल है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू क्या होता है सेल डिवीजन के थ्रू इसका नंबर में इंक्रीज होता है इन प्लांट ग्रोथ ऑक्योर इन ए सर्टेन एज प्लांट में क्या होता है कुछ एज तक एक सर्टेन एज तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाया जाता है एक एज और एक टाइम पीरियड के बाद प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है पर एनिमल में ये ग्रोथ ड्यूरिंग लाइफ स्पेन जितने दिन तक ज़िंदा रहेगा ड्यूरिंग होल लाइफ ये ग्रोथ होता है जैसे मान किसी एक एज पे अपना बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर बॉडी में लेंथ में ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा पर इंटरनल डेवलपमेंट सेल डिविजन होता ही रहेगा जितने दिन एक एनिमल ज़िंदा रहेगा उसका पूरा होल लिविंग टाइम में उसका इंटरनल सेल डिविशन होता ही रहेगा और उसका सेल ग्रोथ होने ही लगेगा <coughs> समटाइम ग्रोथ देअर फोर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफिनिट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम है जिसका भी ग्रोथ हो सकता है जैसे मान लो एक स्टोन है जैसे मान लीजिए एक स्टोन है तो बहुत दिन से एक स्टोन के ऊपर दूसरी स्टोन सबमिट होते होते तो बहुत सारा लार्ज नंबर स्टोन हो जाएगा बहुत सारा स्टोन एक एक जगह पर जमते जमते क्या होगा बहुत सारा स्टोन एक लार्ज नंबर मस नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ को हम डेफिनेट प्रॉपर्टी डेफिनेट एक्चुअल डेफिनेट प्रॉपर्टी की तरह हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं ले सकते रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजिन ही प्रोसेसिंग फ्यूचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दो पेरेंट्स तो रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल न्यू लाइफ फॉर्म होता है और जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू पेरेंट्स का कैरेक्टर उसमें प्रोजनी में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है तो रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ एनिमल है जो लिविंग है पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है पर ऐसा कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका रिप्रोडक्शन नहीं होता है जैसे मान लो म्यूल्स स्टेराइल वर्कर बीस इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स तो इन लोगों का लिविंग है पर क्या है इन लोग रिप्रोडक्शन में कैपेबल नहीं है जैसे फांगी मान लो फांगी मल्टीपाइल एंड स्प्रेड कैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है फांगी में स्पोरोजेनेसिस नाम सुने और स्पोर फॉर्मेशन से आसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन से इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है प्लेनेरिया में क्या होता है प्लेनेरिया में रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है जैसे मान लो प्लेनेरिया के बॉडी पार्ट किसी जगह पर अलग हो जाए मतलब टेल अलग हो गया तो टेल से एक न्यू प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन में ऐसे नहीं होता मान लीजिए ह्यूमन में अगर किसी पार्ट को अलग किया जाए तो वहाँ से तो न्यू ऑर्गेन न्यूज इंडिविजुअल स्प्रेड नहीं होगा पर प्लानिया में ऐसे होता है कि प्लानेटिया का किसी बॉडी पार्ट अगर बॉडी से पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाए वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल न्यू लाइफ फॉर्म होना होता है यहाँ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में होता है तब देखो लिखा है देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस तो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता है जैसे म्यूल्स हो गया स्टेराइल वर्कर बीस तो वर्कर बीस क्या करते हैं रिपोडक्शन नहीं करते इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स तो ये लोग कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि लिविंग ऑर्गेनिजम होगा तो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा तो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो हमको हम रिप्रोडक्शन को एज ए डेफिनेट प्रॉपर्टी के रूप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं ले सकते मेटाबोलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफियरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म तो बॉडी में जितना केमिकल रिएक्शन होगा सब मिला के क्या बनता है बॉडी का मेटाबोलिज्म तो so, जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगा ही होगा इट्स कंपल्सरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होता है तो so, हम बोल सकते मेटाबोलिज्म इज द डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्ससनेस कॉन्ससनेस में क्या बोल सकते हैं किसी भी ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर हो मल्टी हो वो प्रोकैरियोट्स जितने भी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कॉन्ससनेस उसमें होगा ही कैसे दे रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई इन्फॉर्मेशन आएगा वो वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो वो अपने कॉन्सनेस के थ्रू उसमें रिस्पॉन्स करेगा वो यूकैरियस हो पोकेरियस हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी स्टीमुल के थ्रू स्टीमूला अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस नहीं होता है और उसके रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सनेस इज द डेफिनेट प्रॉपर्टीज डेफिनेट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इससे हम क्या सीखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ

प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और कॉन्शियसनेस भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है क्लास इलेवन बायोलॉजी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सबसे पहले जानना है कि हम लोग कि बायोडाइवर्सिटी है क्या द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी क्या है पूरी धरती में जितना ऑर्गेनिज्म है तो उसका पूरा नंबर और जितने टाइप का है सब मिला के बनता है बायोडाइवर्सिटी तो एक बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों को वन पॉइंट सेवन टू वन एट मिलियन स्पीसीज है उसके बाद जानना है कि नोमिन कल्चर क्या है देखो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाई द सेम नेवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड नोम इन कल्चर जैसे पहले ही हम जान चुके हैं कि बायो पूरी धरती पर आर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें वन पॉइंट सेवन से वन पॉइंट एट मिलियन स्पीसीज़ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्पीसीज के एनिमल कौन है उसका क्या नाम है तो अगर वन पॉइंट सेवन और वन पॉइंट एट मिलियन अगर स्पीसीज़ होगा तो कौन सा स्पीसीज़ का क्या नाम है और कौन सी स्पीसीज़ में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स करता है तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे उसका कोई तो नाम होना चाहिए तो ये जो प्रोसेस है जिस नेम से हम लोग उसको पहचानेंगे उस स्पीसीज की उस खास पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहचानते हैं उस प्रोसेस को नाम है नोमिन कल्चर और ये जो नाम नॉमिन कल्चर के थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है पूरी वर्ल्ड पे एक सेम नाम होगा पूरी वर्ल्ड पे एक सेम नाम होगा जिसके थ्रू पूरी वर्ल्ड में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर जाएगा इस प्रोसेस को नाम है नोमेल कांचर तो नोमिन कल्चर और नेमिंग इज ऑनली पॉसिबल वेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू दिस इज आइडेंटिफिकेशन तो जैसे पहले ही बोल चुके थे कि नोमिन कल्चर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा स्पीसीज़ का कौन सा ऑर्गेनिज्म है जैसे अगर किसी ना स्पीसीज़ का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम ना हो तो पूरी वर्ल्ड पे एक एक लोकल रीजन लोकल जो नेम है उसके थ्रू उसका आइडेंटिफाई होगा तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हो सकता है तो एक नोमिन कल्चर प्रोसेस के थ्रू एक पार्टिकुलर नेम दिया जाता है पूरी वर्ल्ड पे किसी भी एक स्पीसीज़ की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ताकि उसका एक पर्टिकुलर कॉमन नेम हो सके पूरी वर्ल्ड में तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा स्पीसीज़ का कौन सा ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जैसे प्लांट से जुड़ा हुआ जो स्टडी है उसे हम कहते हैं बोटनी तो प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम बेस्ड है ये कौन करते हैं ये करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट फॉर बोटानिकल नोमकलेचर आई सी बी एन और एनिमल के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो कौन डिसाइड करते हैं वो करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जियोलॉजिकल नोमन कल्चर आईसी नेम हैज टू कंपोनेंट तो नोम कल्चर के थ्रू जो पार्टिकुलर नेम होता है तो उसका दो कंपोनेंट होता है एक है जेनेटिक नेम एक है स्पेसिफिक इपिथेट तो ये जो एक नेम का दो कॉम्पोनेंट होता है इस प्रोसेस को कहते हैं बायनोमियल नोमचर बायनोमियल नोम ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि व्हाट इज बायनोमियल नोमलेचर तो लिखना है कि इच नेम हैज़ टू कॉम्पोनेट जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट द सिस्टम प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कॉम्पोनेट इस कॉल बायोनोमियल नोमचर और इस ये कौन ये सिस्टम दिया था इस सिस्टम दिया था इस, ये भी क्वेश्चन में बहुत सारा पूछा जाता है कि ये सिस्टम को कौन प्रोवाइड किया था तो इस सिस्टम को प्रोवाइड किया था लिनियास तो डिनियास कैलोनास डिनियास इससे पहले हम पढ़े थे कि नोमेन कल्चर क्या है आज पढ़ेंगे द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेन कल्चर नोमेन कल्चर का कुछ रूल्स क्या है नंबर वन पॉइंट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स दे आर दे आर लैटिनिस्ट एंड डिराइव फ्रॉम बोथ इन ऑफ देयर ऑरिजिन तो क्या करना है बायोलॉजिकल नेम ने जनरली इन लैटिन तो लैटिन में होगा एंड लिखने के टाइम इटलिस में होगा क्यों आप पूछेंगे कि लैटिन क्यों तो लैटिन दुनिया में ऐसे एक लैंग्वेज है जो बहुत कम यूज़ किया जाता है लैटिन एक दुनिया में एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत कम यूज़ किया जाता है बाकी कंपेरेटिवली अदर लैंग्वेज तो लैटिन ज़्यादातर कम यूज़ होता है तो खास साइंटिस्ट के लिए ही ये यूज़ होता है और साइंटिस्ट आसानी से इसको पहचान सकते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है इटेलिस में नंबर टू पॉइंट द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जेनस वेल द सेकेंड कॉम्पोनेंट इन योर स्पेसिफिक एपिथेट जैसे हम पहले बोला था नोमिन कल्चर में जब पढ़े थे कि एक सिस्टम है बायोनोम नोमिन कल्चर तो उसमें दो पार्ट होता है जैसे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट तो पहला जो हैगा लिखने के टाइम जो पहले वर्ड होगा तो उसको बायोलॉजिकल नेम वो रिप्रेजेंट करता है जेनस में और सेकेंड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है कौन सी स्पेसिफिक एपिथेट बोथ द वर्ड इन ए बायलॉजिकल नेम वेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन लेटलिक्स टू इंडिकेट दे आर लेटिन ओरिजिन तो जब हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे जेनेरिक नेम जेनास उसके बाद लिखेंगे स्पेसिफिक एपिथेट तो लिखने के बाद दो में गैप होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए या फिर प्रिंटेड इन एटलिंग्स टू इंडिकेट दे आर लेटिन लेटिन ओरिजिन जो है उसको समझने के लिए इटलिक्स में लैंग्वेज में प्रिंटेड होना चाहिए चौथा रूल्स क्या है द फर्स्ट वर्ड डिनोज द जेनास स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर तो पहला वर्ड कौन सा होगा जेनरिक नेम होगा जैसे दो कॉम्पोनेंट है एक है जेनरिक एक है स्पेसिफिक एपिथिस तो जेनस जो हो लिखा होगा वो कैपिटल में स्टार्ट होगा और नेक्स्ट कॉम्पोनेंट कौन सा है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं मैग्नीफेरा इंडिका देखो एम यहाँ पर कैपिटल स्टार्ट हो रहा है मैग्नीफेरा उसके नीचे अंडरलाइन है जो रूल्स नंबर थ्री में बोला हुआ है कि अंडरलाइन होगा और उसके बाद है की एपिथेट जो स्मॉल लेटर से जुड़ा है उसके नीचे भी अंडरलाइन होगा ये चारों पॉइंट ठीक से याद कर लेना आज हाँ हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इंटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेशन करें टर्स तो क्लासिफिकेशन क्या है जैसे मान लीजिए किसी भी एक स्पीसीज में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक ग्रुप में है तो कैसे कैसे हम उसको क्लासीफाइड करेंगे पार्टिकुलरली अलग से इंडिविजुअली तो जो प्रोसेस के थ्रू किसी भी एक ग्रुप में किसी भी ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसको अलग से कैटेगरीज करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी क्या है हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक उस कैरेक्टर के ऊपर बेस करके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं कैसे क्लासीफाइड करते है? पहले ही बोला है कि अगर किसी स्पीशीज में ग्रुप में कोई भी इंडिविजुअली हो तो उसको अलग से क्लासिफाई कर किया जाता है और जैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर एलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर सेल का स्ट्रक्चर हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो इंटरनल स्ट्रक्चर हो एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस उसका डेवलपमेंट ग्रोथ का क्या प्रोसेस है एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑरिजिन

सिस्टमेटिक क्या है द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा सिस्टेमा लैटिन वर्ड सिस्टमा से सिस्टमेटिक वर्ड डिराइव हुआ है विच मीन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे हम सिस्टम एक सिस्टम में उसको अरेंज करेंगे उसको पहले क्लासिफिकेशन होगा उसके बाद जिस प्रोसेस से उसका क्लास टैक्स क्लासिफिकेशन होता है उस कैटेगरीज करते हैं उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी उसके बाद इसको कैसे सिस्टम में अरेंज करेंगे जो लैटिन वर्ड सिस्टम से आया है तो उसको कहते हैं सिस्टेमेटिक्स जो अपना सबसे पहले जो पब्लिकेशन किया था जो उसका टाइटल नाम दिया था क्या दिया था सिस्टेमा नेचरी। नेचरी सिस्टेमा द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगोरीज क्लासीफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हरिकी ऑफ स्टेप्स इन हुई इच स्टेप रिप्रजेंट रैंक ऑफ कैटेगोरीज तो क्लासीफिकेशन क्या है क्लासीफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं है किसी भी एक ऑर्गेनिजम को लिविंग ऑर्गेनिजम को अलग से क्या करना है एक अलग से कैटेगोरीज करना है तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है जैसे हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न टेक्सोनॉमिक में बहुत सारा प्रोसेस होता है जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल इंटरनल करेक्टर होता है स्ट्रक्चर सेल होता है डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो इसके ऊपर डिपेंड करके मॉडर्न टेक्सोनॉमिक बनता है तो ये जो कैटेगरी में डिफाइंडेड है इसको कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो स्टेप रिप्रेजेंटेड रैंक एंड कैटेगरी हर एक स्टेज में एक कैटेगरी रिप्रेजेंटेड होगा जैसे टेक्सोनॉमी स्टडी में हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को कैसे हम क्लासीफाइड और किस किसी एक कैटेगरी में कैसे अलग करते हैं जैसे किंगडम होगा फाइलम होगा क्लास ऑर्डर फैमिली जेना स्पीसीज तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहले किंगडम में डिफाइड करेंगे उसके बाद फाइलम उसके बाद क्लास आएगा उसका ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीशीज में डिवीजन होगा तो ये जो कैटेगरी में अलग अलग करने का प्रोसेस है इसको कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगोरीज स्पीशीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑफ ए स्पीशीज जैसे एक ग्रुप में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होगा फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम होगा बहुत सारा ग्रुप में इंडिविजुअल से ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल से जो क्या होगा उसका फंडामेंटल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज होगा उसको कहते हैं हम कह सकते हैं स्पीसीज तो इच जेनस में जैसे हम लोग पहले ही पढ़े जाने थे कि बायोनोमल नोमिनक्लेचर में कैसे क्या होता है एक जेनेरिक नेम होता है एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है तो एक जेनास में एक जेनेरिक नेम में दो अलग अलग स्पीसीज़ हो सकता है क्यों वो दो अलग अलग और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए